हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएम नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कैस्केडिंग कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी डेटाबेस में किसी इंडिविजुअल का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये प्रॉपर आपको चाहिए कि आप जब स्टेट एंट्री करो तो उसी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट आनी चाहिए, जब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जो तहसील है वो आनी चाहिए। कोई भी सिक्वेंशियल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बना सकते हो आसानी से। मैं आपको इंडियन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील इनका बताऊंगा। दोस्तों, आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ किस प्रकार से हम जो है ये कॉम्बो बॉक्स या कैस्केडिंग कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं इसमें स्टेट सिलेक्ट करता हूँ, राजस्थान। तो इसमें अभी राजस्थान की ही डिस्ट्रिक्ट दिखेंगी। ये देखिए, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान की है। इसके बाद अगर मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों, तो महाराष्ट्र में भी वही डिस्ट्रिक्ट आएंगी जो महाराष्ट्र की रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं कोई भी स्टेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट आएगी। एक्स वाई जेड एनी स्टेट दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए राजस्थान बताता हूँ, राजस्थान में मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ अजमेर। तो दोस्तों, अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट की ही तहसील यहाँ पे दिखनी चाहिए को ड्रॉप डाउन में। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, जो अजमेर की नौ डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको दिखेंगी। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैंने अजमेर ही सिलेक्ट किया, या फिर मान लीजिए नसीराबाद मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं अजमेर चेंज करता हूँ दोस्तों, यहां पर मैं लाता हूँ जयपुर। चलो झुंझुनू ले लेते हैं दोस्तों, झुंझुनू। तो झुंझुनू की जो डिस्ट्रिक्ट, जो तहसील होंगी, सब डिविजन होंगी, वही यहां पर आएंगी दोस्तों। सब डिस्ट्रिक्ट ही यहां पर आएंगी, जैसे नवलगढ़। अगर दोस्तों इसके आगे और बनाना चाहते हैं हम कि उस तहसील में विलेज है, तो वही विलेज आने चाहिए, वो भी हम बना सकते हैं इसी एक प्रोसेस से दोस्तों। तो आप दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें। ज्यादा कोई कोडिंग नहीं है दोस्तों, आपको कुछ एक काम करने होंगे, उनमें आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसको डिलीट करना होगा, इसी में आपको मैं दिखाऊंगा। डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं दोस्तों, मैं इनको डिलीट कर देता हूं फिलहाल। दोस्तों ये डिलीट किया, यहां पर दोस्तों मैंने कुछ इसकी क्वेरीज बनाई है, वो भी मैं डिलीट कर देता हूं। यस, तहसील की भी क्वेरी है दोस्तों, उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स भी बनाई हुई है दोस्तों, उनको भी मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये सारी चीजें अभी डिलीट कर दी। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी जो मेन टेबल आपने जो बनाई है, उस टेबल में आप डिजाइन व्यू में ओपन करिए। यस, आप डिजाइन व्यू में ओपन करिए दोस्तों। इसमें देखिए, आपने फील्ड नेम में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील ये लिया है कि नहीं है, मतलब कि आपकी एक फील्ड होनी चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, जहां पे हम एंट्री करेंगे, वो जहां पे हमारा डेटा सेव होगा। दोस्तों इंडिविजुअल के लिए ये चीजें आपकी यहां पर होना जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों इसको मैं क्लोज करता हूं फिलहाल। दोस्तों इसको भी क्लोज कर दीजिए। अभी दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने इकट्ठा करना है सभी नाम। आप चाहे इंटरनेट से ले सकते हैं, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के इंटरनेट से इकट्ठा नाम लिए, सबसे पहले स्टेट के लिए सभी स्टेट के नाम लेके उनको कॉपी किया और एक्सेल में पेस्ट कर दिया। वैसे ही एक एक्सेल शीट में मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट, एक कॉलम डिस्ट्रिक्ट की बनाई। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए एक्सेल में किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले स्टेट, तो मैंने सभी स्टेट कॉपी किए और यहां पर एक्सेल में पेस्ट कर दिए। दोस्तों इसमें मैंने जो है सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भी यहां पे लिया है दोस्तों, इनको यहां पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरी टेबल, दूसरी जो मैंने एक्सेल की शीट बनाई, उसमें क्या है, स्टेट लिए हैं सारे। जैसे मैंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के पूरे स्टेट लिए, इनमें जो डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश की स्टेट तो यहाँ पे आ गया, एक पूरे
कॉलम में जितने पूरी हर जगह पे आंध्र प्रदेश लिखा जाएगा, और दूसरी जगह पे दोस्तों जितनी आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है पहले वो आप लिख लीजिए, उसके आगे आंध्र प्रदेश लिख दीजिए। दो टेबल बनानी है दोस्तों इसमें, दो सॉरी टेबल नहीं, दो कॉलम बनानी है। इसके बाद में देखिए जैसे निकोबार, नॉर्थ मिडल अंडमान, ये जो है किसमें है तो अंडमान निकोबार में आपको ऐसे लिखना है। पूरी डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे एक साइड में लिखिए, इसके बाद में वो स्टेट का नाम आप यहाँ पे हर एक रो में लिख दीजिए उस डिस्ट्रिक्ट के सामने। तीसरी जो मैंने एक्सेल शीट बनाई उसमें देखिए जैसे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील है, ये तहसील अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने यहाँ पे उन तहसील के नाम लिखे और साइड में अजमेर लिख दिया दोस्तों, सिंपल है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट के तहसील्स का नाम लिखा, इसके बाद में यहाँ पर जयपुर का नाम लिख दिया क्योंकि वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इतना काम सबसे पहले आपको दोस्तों करके रखना है। फिलहाल मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, अब मैंने कोई चेंजमेंट किया नहीं, डोंट सेव कर देता हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों आपने क्या करना है, यहां पे इंपोर्ट करना है, क्या करना है वो टेबल्स को इंपोर्ट करना है। आप देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल डेटा में जाइए, एक्सटर्नल डेटा टैब में जाइए और यहां पर इंपोर्ट एंड लिंक्स के अंदर एक्सेल, यहां से इंपोर्ट करेंगे दोस्तों, इंपोर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, तो क्लिक करिए इस पे। कहां से करना चाहते हैं, तो मेरा यही जो है डी ड्राइव में मेरा ये एक्सेस का जो फोल्डर है यहां से मैं लेना चाहता हूं, और यहां से ब्राउज कर लीजिए दोस्तों, आप ब्राउज कर सकते हैं कौन सी लेना चाहते हैं। मैं पहले स्टेट लेना चाहता हूं, ओपन करिए इसको, ओके इसको यहां से ओके कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है दोस्तों फर्स्ट रो कंटेन कॉलम हेडिंग, हाँ यस दोस्तों जो मेरी फर्स्ट रो है वो मैंने स्टेट लिखा हुआ है इसमें, इसलिए क्या ये हेडिंग हो जाएगी। ओके दोस्तों नेक्स्ट करिए, इसमें आप क्या यही नाम देना चाहते हैं, फील्ड का नाम, इंडेक्स, तो बिल्कुल डेटा टाइप भी यही रखना है मुझे, इसको नेक्स्ट करिए। ओके अभी ये बता रहे हैं कि प्राइमरी की के लिए इन्होंने क्या है अलग से एक आईडी दे दिया, तो मैं दोस्तों चूज माय ओन प्राइमरी की करूंगा। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, चूज माय ओन प्राइमरी की स्टेट, नेक्स्ट कर दीजिए दोस्तों। हाँ नाम क्या रखना है, नाम मेरे को स्टेट ही रखना है, और फिनिश कर दीजिए दोस्तों। सेव इंपोर्ट स्टेप, यस सेव इंपोर्ट, ओके। इसके बाद में दोस्तों स्टेट की टेबल यहाँ पे आ गई, एक बार ओपन करके देख लीजिए इसको, यस दोस्तों सभी स्टेट के नाम आ गए, इसको फिलहाल क्लोज कर दीजिए। अगेन ऐसे ही एक्सटर्नल डेटा में जाके एक्सेल, यहां से हमको डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे ओपन करिए इसको दोस्तों, ओके कर दीजिए। फर्स्ट रो यस हेडिंग है, नेक्स्ट करिए इसमें सेम, नेक्स्ट यहां पर दोस्तों नो प्राइमरी की, मुझे कोई प्राइमरी की नहीं चाहिए, इसको नेक्स्ट करिए और फिनिश कर दीजिए दोस्तों, क्लोज। अगेन सेम एक्सटर्नल डेटा में जाइए, एक्सेल स्प्रेडशीट, एक बार आपने जब एक्सेल में ले लिया इसके बाद में काफी आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना ये, और उसको यहां से तहसील सिलेक्ट करिए, ओपन करिए दोस्तों, इसके बाद में ओके कर दीजिए। यहां पर जो फर्स्ट कॉलम हेडिंग है, नेक्स्ट नेक्स्ट नो प्राइमरी की, नेक्स्ट और फिनिश दोस्तों, ओके क्लोज। दोस्तों हमने ये तीनों टेबल को यहां पर इंसर्ट कर लिया। अभी आपने क्या करना है दोस्तों, काफी आसान है, आपने डेटाबेस टूल में जाके रिलेशनशिप देना है दोस्तों, रिलेशनशिप देना है दोस्तों, जैसे यहां पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसील, ये पहले वाली टेबल का आ रखा है दोस्तों, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। मैं यहां से शो टेबल राइट क्लिक करके आप शो टेबल पे क्लिक करिए, कौन सी आपको चाहिए वो आप यहां से ले लीजिए दोस्तों, और तहसील इनको मैं क्लोज कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं वन टू मेनी रिलेशन दूंगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाली टेबल को दोस्तों, वन टू मेनी रिलेशनशिप हो गया, और इसको मैं क्रिएट कर दूंगा दोस्तों। इसके बाद में मैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट को यहां पर ये इंटरमीडिएट रिलेशनशिप दूंगा, इसको भी दोस्तों मैं क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों स्टेट का नाम तो सेम है, एक ही है, रिपीटेड नहीं है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का नाम कहीं ना कहीं रिपीटेड हो सकता है, गांधीनगर है तो वैसे कहीं और भी गांधीनगर हो सकता है दोस्तों, इसलिए हम इसमें प्राइमरी की का इस्तेमाल नहीं कर रहे। रिलेशनशिप दे दिया दोस्तों यहां पर, इसको सेव करिए और क्लोज कर दीजिए। अब नेक्स्ट काम दोस्तों को आपको यहां पे जो करना है, आपको जिस भी फॉर्म में आपको वो एंट्री बनानी है उसको ओपन करना है दोस्तों। जैसे मुझे यहां पे पोलिस एंट्री फॉर्म, इसमें एंट्री करनी है और इसमें बनाना है दोस्तों, यहां पर मैं राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में ओपन करूंगा,
यहां पर दोस्तों ध्यान देना, आपने डिजाइन कॉन्टेक्चुअल टैब पे क्लिक करना है और इसमें कॉम्बो बॉक्स क्या सिलेक्ट करना है, कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट करना है दोस्तों और यहां पर ड्रॉ करना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपने इससे पहले एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, इसको कैंसिल करता हूं मैं आपको पहले बताना बेहतर समझता हूं क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। डिजाइन में जाइए, एड एग्जिस्टिंग फील्ड। दोस्तों आपने एड एग्जिस्टिंग फील्ड में आके आपने यहां पर जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, इन तीनों को एक बार ऐड करना है। इसके बाद में इनको आप डिलीट कर दीजिए दोस्तों, सिंपल, इसको आप क्लोज कर दीजिए। अभी फिलहाल आपने डिजाइन में जाके कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहां पर दोस्तों इसको नाम देना है। आई वॉन्ट टू को, ये आपको जो है दोस्तों कॉम्बो बॉक्स में से या किसी टेबल से आपको ये लेना है, तो आपने यहां नेक्स्ट करिए दोस्तों। कहां से दोस्तों, तो पहली टेबल जो है हमारी उसमें सिंगल है वैल्यू, कहीं से हमें लिंक नहीं है, कहीं से रिलेशन से हमको डेटा नहीं लेना है, सिर्फ मुझे स्टेट से लेना है, तो मैं सीधा टेबल से लूंगा दोस्तों। नेक्स्ट, स्टेट को सिलेक्ट करिए आप, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए स्टेट के नाम आ गए यहाँ पे, फिर से नेक्स्ट, स्टोर द डेटा। ये देखिए, अगर आप पहले ऐड नहीं करोगे उस तरीके से जैसे मैंने बताया था आपको, ऐड प्रॉपर ऐड फील्ड्स में से जाके आपको जो तीनों ने, हमने तीनों को जो ऐड किया था एक बार फील्ड्स को, उस तरीके से अगर आप ऐड नहीं करोगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा दोस्तों। इसको स्टेट को सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए, इसका नाम क्या देना चाहते हो तो आप नाम दे दीजिए स्टेट और फिनिश। दोस्तों यहाँ पे स्टेट का काम फिनिश है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, जो नेक्स्ट कार्रवाई आपको करनी है वो है आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो आपने क्या करना है फिर से अगेन, ये देखिए यहां पर डिस्ट्रिक्ट की आपको एक क्वेरी बनानी पड़ेगी, राइट। इस पर राइट क्लिक नहीं करना दोस्तों, आपने क्या करना, क्लिक करिए क्रिएट पे जाइए, क्वेरी विजार्ड, क्या सिलेक्ट करना, क्वेरी विजार्ड, सिंपल क्वेरी विजार्ड, ओके। यहां से दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की टेबल आपने सिलेक्ट की, वे दोनों को आप सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए, ओपन द क्वेरी इंफॉर्मेशन, फिनिश करिए दोस्तों इसको और यहां से इसको क्लोज कर दीजिए। सेम दोस्तों आपने तहसील के लिए भी करना है, क्रिएट टैब में जाइए, क्वेरी विजार्ड, सिंपल क्वेरी विजार्ड, दोनों को आप सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट, फिनिश और इसको आप क्लोज कर लीजिए दोस्तों। ओ माफ कीजिए दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट की दोनों टेबल बन गई, दोनों क्वेरी, तहसील पे सिलेक्ट किया, क्लिक किया हमने क्वेरी विजार्ड, ओके। ये देखिए यहाँ पे टेबल डिस्ट्रिक्ट की जगह टेबल तहसील सिलेक्ट करना, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे लिया, नेक्स्ट, फिनिश दोस्तों, इसको क्लोज करता हूं मैं। अभी दोस्तों आपने यहां पर जब हम क्रिएट करेंगे उसमें ध्यान देना है, डिजाइन में जाइए, कॉम्बो बॉक्स, देखिए थोड़ा सा स्पीड हो रहा होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो उस जगह पर। यहां पर मैंने कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ किया, यस आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। जो हमें डेटा है वो कहां से लेना है दोस्तों, दूसरी टेबल और क्वेरी से लेना है, तो मैं यहां पे नेक्स्ट करूंगा दोस्तों। अभी यहां ध्यान देना है, आपने यहां पर पिछली बार स्टेट में टेबल सिलेक्ट करा था, लेकिन यहां पे टेबल नहीं सिलेक्ट करना है दोस्तों, आपको सिलेक्ट करना है क्वेरीज। याद रखिएगा क्या सिलेक्ट करना है दोस्तों, क्वेरीज। इसमें आप कौन सी क्वेरी सिलेक्ट करनी है, हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए किया तो क्वेरी, ओके डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट, यहां पे मुझे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की डिटेल चाहिए, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टोर दैट वैल्यूज, ओके। यहां पर आप डिस्ट्रिक्ट में करना चाहूंगा, कहां पे वैल्यू स्टोर करनी है, जो हमारी जो टेबल है उसके डिस्ट्रिक्ट के जो फील्ड है उसमें वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट, यहां पर कॉम्बो बॉक्स में हम नाम दे देंगे DIS, डिस्ट्रिक्ट का शॉर्ट दे देता हूं दोस्तों, और फिनिश। अभी तहसील के लिए दोस्तों अगेन डिजाइन में जाइए, कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट करिए और यहां पर ड्रॉ कर दीजिए, ओके। फिर से हमें जो है क्वेरी और टेबल से वैल्यू लेनी है, यहां पे अगेन आपने क्वेरीज को सिलेक्ट करना है और यहां पे तहसील,
तहसील की क्वेरी जो है उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करिए दोस्तों, तहसील को सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट नेक्स्ट। यहां पर दोस्तों आप याद रखिएगा, स्टोर दैट वैल्यू इन दिस फील्ड, कौन सी फील्ड में, आपने अपनी टेबल की तहसील वाली फील्ड में ये डेटा स्टोर करना चाहते हो जो इसमें एंट्री होगा। नेक्स्ट, इसको नाम दे देता हूं दोस्तों तहसील, फिनिश। अभी दोस्तों यहां पर जो है हमें इंपॉर्टेंट काम करने हैं दो, एक हमें क्वेरी में कुछ कोड करना है या क्राइटेरिया देना है, और दूसरा हमें एक कोडिंग करना है। ये दो काम आपको करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका जो है ये कैस्केडिंग कॉम्बो बॉक्स काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या है, आपने यहां से ये जो डिस्ट्रिक्ट की क्वेरी है इसको आपने ओपन करना है डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में ओपन किया दोस्तों, इसमें जहां पर क्राइटेरिया जो दिया हुआ है उसके सामने स्टेट की जो कॉलम है, स्टेट की कॉलम में क्राइटेरिया में आपको दोस्तों यहां पे लिखना है। अगर आप एमएस ऑफिस सूट 2013 यूज करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, 7 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी 16 19 किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। यहां पे आपको लिखना है फॉर्म, ये देखिए फॉर्म्स नीचे आ गया दोस्तों, इसको एंटर करिए। यहां पर दोस्तों आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना, जैसे ही आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे यहां पे आपको सभी फॉर्म्स के नाम आ जाएंगे, कौन सा फॉर्म से आप रिलेट करना चाहते हो इस क्वेरी को। तो मैं हमारे किस में एंट्री की, हमने किस में बनाया है हमारा कॉम बॉक्स, हमने बनाया है पुलिस एंट्री फॉर्म, तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूं दोस्तों। अगेन जैसे ही आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाओगे दोस्तों, अभी उसमें जो जो एंट्री हुई है, जो जो कॉम्बो बॉक्स वहां पर जो बने हैं, जो भी वहां पे टेक्स्ट बॉक्स हैं, जो भी कमांड बटन है, उन सभी का नाम यहां पे आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी ध्यान ये देना है दोस्तों कि हमने उसका नाम क्या रखा है, जैसे पॉलिस एंट्री फॉर्म, इस पॉलिस एंट्री फॉर्म में ये जो स्टेट है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, ये अभी सोचने वाली बात है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी सीट में जाना है दोस्तों यहां पर, और अदर्स में जाके जो कॉम्बो 87 लिखा है यहां पर सी स्टेट कर देंगे दोस्तों, ताकि आप आसानी से वहां पे पहचान सको। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है दोस्तों, सी डी आई एस टी कर देंगे। अगेन तहसील का क्या है, तहसील का भी सी तहसील कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, ये करना जरूरी है, नाम देना जरूरी है, या फिर आप नंबर भी याद रख सकते हैं, सेव कर दीजिए इसको और डिस्ट्रिक्ट में वापस आइए। यहां पर एक बार एक्सक्लेमेटरी को कट करके फिर से एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाइए, यहां पर आपने लिखना है सी स्टेट, ये देखिए दोस्तों सी स्टेट, यहां पे स्टेट आ गया, इसको सिलेक्ट करिए और इसे सेव करके दोस्तों क्लोज कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों तहसील के अगेन क्वेरी में जाइए आप, डिजाइन व्यू में, इसमें सेम आपने यहां पे क्राइटेरिया देना है, पहले लिखना है दोस्तों फॉर्म्स एंटर एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिस फॉर्म में आपका आपने जो कॉम्बो बॉक्स बनाया है उसका नाम सिलेक्ट करिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो आपने डिस्ट्रिक्ट की जो कॉलम है उसको जो आपने नाम दिया है, एक अप जो यहां पे है उसको आप सिलेक्ट करिए और इसको सेव करके दोस्तों क्लोज कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों हमें दूसरा जो काम करना है इंपॉर्टेंट, वो है कोडिंग। यहां पर आपने ध्यान देना दोस्तों, जैसे स्टेट है, स्टेट पे आपने क्लिक किया, यहां पर इवेंट में आइए, इवेंट में दोस्तों आफ्टर अपडेट, यहां पे देखिए इवेंट में यहां पे सी स्टेट होना चाहिए, आपका जो कॉम्बो बॉक्स है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, और यहां पर आफ्टर अपडेट पे क्लिक करना है, और यहां पर जो तीन डॉट दिख रही है आपको इन पे क्लिक करना है दोस्तों। यहां पर कोड बिल्डर, आपके सामने ये मैसेज सी स्टेट आफ्टर अपडेट वाला ओपन हो जाएगा। यहां पे आपने क्या कोडिंग करना है दोस्तों, सबसे पहला लिखना है एम ई डॉट सी डिस्ट्रिक्ट, इसको सिलेक्ट करिए सी डिस्ट्रिक्ट, आप माउस से भी कर सकते हैं, स्पेस से भी कर सकते हैं। डॉट रिक्वेरी, क्या करना दोस्तों, रिक्वेरी, याद रखिएगा रिकवरी नहीं, रिक्वेरी लिखना दोस्तों, और आप एंटर कर दीजिए दोस्तों। अगेन एम ई डॉट, यहां पर अभी तहसील,
हम अगर पहली बार हम किसको सिलेक्ट किया था, स्टेट को, तो जो दो चीजें हैं जो रिक्वेरी हम करना चाहते हैं तो कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट और तहसील। तो यहां पे आ जाएगा सी तहसील, फुल स्टॉप या पॉइंट, यहां पर रिक्वेरी। इसको सेव करिए दोस्तों और क्लोज कर दीजिए। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें स्टेट और तहसील का आएगा, तो यहां पर आप आफ्टर अपडेट कोड बिल्डर, यहां पर आ जाएगा मी डॉट सी स्टेट डॉट रिक्वेरी, अगेन मी डॉट सी तहसील डॉट रिक्वेरी। इसको सेव करिए, क्लोज कर दीजिए। अगेन जब तहसील को आप सिलेक्ट करोगे आफ्टर अपडेट, तीन डॉट्स पे आप क्लिक करिए कोड बिल्डर, और यहां पर आपने मी डॉट सी स्टेट डॉट, यहां पे आपने लिखना दोस्तों रिक्वेरी, अगेन मी डॉट सी डिस्ट्रिक्ट डॉट रिक्वेरी, और इसको सेव कर दीजिए दोस्तों, क्लोज। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो फॉर्म में जाइए, इसको फॉर्मेट पेंटर से आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, काफी आसान है फॉर्मेट करना। सेम इसकी की तरह इनको भी कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इनको, थोड़ा सा इनका आउटलाइन ऑफ कर देता हूँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। चलिए इसको मैं अभी फॉर्म व्यू में देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूँ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे सभी महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट आ गई, देख सकते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल मैंने महाराष्ट्र की वहां पे कोई तहसील की एंट्री नहीं की हुई, इसलिए वहां पे तहसील नहीं आएगी। फिलहाल मैंने तीन ही डिस्ट्रिक्ट की एंट्री की हुई है। जैसे अगेन मैं यहां से राजस्थान, चलो मैं दूसरा स्टेट दिखाता हूँ, पंजाब दिखाता हूँ। पंजाब में आप देख सकते हैं कि फिरोजपुर, अमृतसर वगैरह आ गए। अगेन यहां से मैं राजस्थान सिलेक्ट करता हूँ, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे अजमेर, ये। तो इसमें मैं अभी जयपुर आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए जयपुर सिलेक्ट किया, यहाँ पे जयपुर की तहसील आ जाएंगी। अगेन मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे झुंझुनू सिलेक्ट करता हूँ तो झुंझुनू की तहसील आ जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप कैस्केडिंग कॉम्बोक्स बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपको ऊपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक की ऐसी तरीके की कैस्केडिंग कॉम्बोक्स बनाना है, तो आप आसान से हर एक में क्वेरी बनाइए और उनकी वहां पर कोडिंग कर दीजिए दोस्तों, आसानी से आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।